फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्यपुस्तक के फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर करे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट है हमारे सी। देर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे वाले बॉक्स में कुछ आउटडोर, आउटडोर का मतलब बाहर खेले जाने वाले, जो हम बाहर मैदान में जो खेल खेलते हैं वह है आउटडोर गेम, और इंडोर जो हम घर के अंदर खेलते हैं वह है इंडोर गेम। तो गेम्स के नेम हम देख लेते हैं, वह है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, बास्केटबॉल, कैरम, खो खो, लूडो, स्नैक एंड लैडर और चेस। तो इनमें से कौन कौन से गेम ऐसे हैं जिनको हम बाहर मैदानों में खेलते हैं, और कौन से गेम ऐसे हैं जिनको हम घर में भीतर कहीं भी खेल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आउटडोर और इंडोर गेम्स ये मैंने आपके लिए पहले से फिलअप कर दिए हैं। आउटडोर गेम्स में कौन कौन से हैं देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, बास्केटबॉल और खो खो। ये सब गेम ऐसे हैं जिन्हें हम टीम में बनाकर बाहर मैदानों में खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स में हैं कैरम, लूडो, चेस, स्नैक एंड लैडर। ये इंडोर गेम्स हैं जिनको हम घर के अंदर खेलते हैं, जिनमें दो या चार पांच सदस्य होते हैं, और आउटडोर गेम्स में ज़्यादातर दो अलग अलग टीमें होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जो इन शब्दों के मिलते जुलते हों, जिनका उच्चारण एक समान हो। जैसे देखिए, सबसे पहले है प्ले। प्ले का मैंने लिखा है ग्रे, ग्रे कलर होता है, और से यानी कहना। प्ले, ग्रे, से, देखो बोलने में सेम आ रहा है ना, एक सा उच्चारण आ रहा है इनका, प्ले, ग्रे, से। इसी प्रकार ये देखिए, सेकंड है माइट। तो माइट, नाइट, लाइट, माइट, नाइट, लाइट, इनका भी उच्चारण सेम आ रहा है। वेल, सेल, बेल, वेल, सेल, बेल। इसके बाद है गुड, वुड, कुड, गुड, वुड, कुड। ज़्यादातर में मीनिंग भी लास्ट के जो लेटर्स हैं वो सेम आते हैं, और किसी किसी में उच्चारण भी सेम होते हैं। जैसे पेन, फैन, चैन, पेन, फैन, चैन। इसके बाद में ये देखिए, बैट, कैट, पैट, बैट बल्ला, कैट बिल्ली, पैट यानी पालतू जो होते हैं वो। फिर सेवन है हमारा सिंग में क्या आएगा, सिंग, ब्रिंग, रिंग, सिंग, ब्रिंग, रिंग। इसमें देखिए, पीछे यहाँ पे भी एन जी, यहाँ पे भी एन जी, और यहाँ पे भी एन जी, इनमें लास्ट लेटर भी सेम है और इनका उच्चारण भी सेम है। फिर है कॉल, बॉल, डॉल, कॉल, बॉल, डॉल। तो जिनके उच्चारण सेम है वह क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद आगे देखेंगे, ई है हमारा, देर आर सम पिक्चर्स गिवन बिलो। टिक, थिंक एंड टिक द राइट पिक्चर एंड रॉन्ग द वन। यानी आपके अनुसार कौन सा पिक्चर जो है वो सही है और कौन सा पिक्चर गलत है। जो सही है उस पिक्चर के नीचे हमें राइट लगाना है, और जो गलत है उसके नीचे हमें रॉन्ग लगाना है। तो देखते हैं हम वो पिक्चर्स। सबसे पहली पिक्चर्स है ये देखिए, इसमें क्या है, एक बच्चा जो है वह पढ़ रहा है और पढ़ाई करने के साथ साथ वो खेल भी रहा है। तो आपके अनुसार क्या ये सही है
क्या पढ़ाई करते करते हमें खेलना चाहिए? नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए और खेलने के समय खेलना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ये पिक्चर रॉन्ग है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इस पिक्चर के नीचे यहाँ बॉक्स में क्या भरेंगे? रॉन्ग, यानी हमारे हिसाब से ये पिक्चर गलत है, हमें पढ़ाई करते करते समय खेलना नहीं चाहिए। देखिए ये बच्चा जो है बॉल से खेल रहा है। आगे देखिए, ये देखिए आगे क्या है इस पिक्चर में, ये बच्चा खाना खाते खाते टीवी देख रहा है। तो क्या खाना खाते वक्त हमें टीवी देखनी चाहिए? नहीं, खाना खाते वक्त हमें टीवी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि टीवी की हानिकारक किरणें हमारे खाने को दूषित कर देती हैं। तो हमारे हिसाब से ये पिक्चर भी गलत है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं, इसमें देखिए ये व्यक्ति साइकिल चला रहा है, लेकिन साइकिल चलाते चलाते ये देखिए ये हेडफोन पे गाने सुन रहा है। तो क्या साइकिल और चलाते वक्त हमें गाने सुनने चाहिए? नहीं, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है और हम दूसरों को भी हानि या नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये चीज़ भी गलत है। इसलिए यहाँ भी हम रॉन्ग करेंगे। कभी भी हमें साइकिल, मोटरसाइकिल, कार चलाते हुए फ़ोन या हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोर्थ जो है वो हमारी, उसमें भी ये देखिए ये व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चलाते चलाते ये फ़ोन पे बातें कर रहा है। तो क्या हमें कभी भी वाहन या मोटरसाइकिल चलाते वक्त फ़ोन पे बात करनी चाहिए? नहीं, ये कानूनन जुर्म भी है, इसलिए ये भी गलत है। कभी भी हमें मोटरसाइकिल या कुछ भी चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, ये देखिए आगे के चित्र में, यहाँ पे ये टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, और इधर देखिए ये बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? जब हमें टीचर पढ़ा रहा हो तब हमें क्या पीछे लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से छेड़खानी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये भी हमारे हिसाब से रॉन्ग है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जब टीचर पढ़ा रहा हो तो हमारा सारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। अब ये लास्ट पिक्चर देखिए, इसमें ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बैठकर टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ना तो अच्छी बात है ना, इसलिए यह पिक्चर हमारे हिसाब से सही है। इसलिए इस पिक्चर के नीचे हम टिक्का मार करेंगे। अब इसके बाद में आगे देखिए, ये दिया हुआ है हमारे आगे एक्टिविटी थर्ड में, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन वाक्यों को देखिए। फर्स्ट वाक्य क्या कह रहा है हमारा? कैन यू मेक ए बोट? क्या ये लड़का इससे पूछ रहा है कि क्या तुम एक नाव बना सकते हो? तो ये लड़का कहता है यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। वो नाव बना सकता था इसलिए उसने हाँ कहा। अब आगे देखिए, ये है कैन यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? तो ये कहता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता, यानी मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो ये दो तरीके के आंसर हमने देखे, एक तो यस में यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, और नो आई कांट, यानी मैं नहीं कर सकता। तो इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस हमें नीचे दिए गए हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चंस गिवन बिलो, द अदर विल आंसर। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप घर में अपने भाई बहन को लेकर बैठिए या आपकी मम्मी को लेकर बैठिए और इस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछिए और उनसे यस और नो में आंसर लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हैं? अगर वो गा सकते हैं तो वो कहेंगे यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर वो नहीं गा सकेंगे तो क्या कहेंगे? नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीके के सवाल पहले आप अपने भाई बहनों से पूछिए, फिर उनको कहिए कि वो भी वापस आपसे इस तरीके के सवाल पूछे। तो ये आपका होमवर्क है, क्रिएटिविटी के आधार पे, क्रिया स्रोत के आधार पे आपको ये इस तरीके के सवाल अपने घर में अपने भाई बहनों से पूछना है। थैंक यू।